तो जी फुल सेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर। एक गलती कितनी महंगी पड़ जाती है यार। अभी हम जा रहे हैं, ये एक और खर्चा ऊपर आ गया यार इसमें कुछ काम कराने के लिए। मुरादाबाद रोड ट्रिप से आने के बाद अब ये पहली बार मैं लेके जा रहा हूँ कहीं पे, और कहाँ इसको लेके जा रहा हूँ रुको मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल तो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो कितनी गंदी हो रही है, मैंने इसको वॉश भी नहीं कराया, साफ़ भी नहीं करी, ऐसी खड़ी है जब से। देखो बस एक गलती हो गई मेरे से इसमें, अब उसका भुगतने जा रहा हूँ। भाई साहब आज का मौसम तो ऐसा हो रहा है, बस बारिश अभी हो जाए लग तो रहा है जैसे बारिश होने वाली है। तो हेलो गाइस, आदाब नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्श ब्लॉग्स। अभी हम जा रहे हैं मायापुरी KTM, ये भी टूटा हुआ है, इसको भी सही कराएंगे। दो चार काम और मैंने सोच रखे हैं, वो भी सब कराना। कहो दिल्ली का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और दिल्ली की ठंड तो जा ही चुकी है, लगभग लग रहा है ऐसे जैसे जा चुकी है। रिपब्लिक डे आने वाला है, उसी के लिए ये सब अपना फ्लैग बहुत बिक रहे हैं। आप रोडों पर मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए, बहुत दिल्ली में नहीं पूरी इंडिया में ही हर जगह। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ना दूसरे रास्ते से आया हूँ, अंदर के रास्ते से, लेकिन यहाँ भी इतनी रेड लाइट मिल रही है बहुत। अभी भी तो एक रेड लाइट से आए हैं, दूसरी एक और मिल गई 53 52। तो जी मैं पहुंच गया हूं अभी सर्विस सेंटर इसमें कुछ काम कराने के लिए। सर्विस सेंटर के अंदर माथे के और हमारी बाइक भी लग चुकी है यहां पे। वो टूटा हुआ जो है, ये मेरे हाथ गंदे हो गए इसलिए हुए, ये जो टूट गया था रास्ते में टूट गया था, जो ऊपर प्लास्टिक वाला है एक पीस ये रहा और एक पीस ये बिल्कुल टूट गया। देखो ये मेरी गलती की वजह से, अगर मैं थोड़ा सा चेक कर लेता ना, इसको टाइट करा लेता तो नहीं होता ये। वो यहाँ पे आके सब कुछ मिल गया, वो मिरर भी है और ये जो ये टूटा ये भी अवेलेबल है, और इसकी रबड़ जो है वो भी अवेलेबल है, वो भी मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, ये भी मुझे मिल गई है। और यहाँ पे ना मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, जिसने भी सजेस्ट किया था अच्छा सजेस्ट किया था यार। अभी देखते हैं दो चार काम जो भी है वो होने के बाद और क्या क्या मुझे याद आता है वो भी यहाँ करवा लेते हैं। मुझे लगा था कि ये जो इसके अंदर लोहे का है ये ठीक होगा, लेकिन ये पता नहीं बैंड हो गया, ये एक और खर्चा ऊपर आ गया यार। तो अब ये भी चेंज करा के न्यू लगवा रहे हैं, ये भी न्यू लगवा रहे हैं। एक गलती कितनी महंगी पड़ जाती है यार। अब सोच लिया कि कभी रास्ते में चलते हुए एक स्क्रू भी ढीला हो गया ना, चाहे उस स्क्रू टाइट कराने के वैसे लगते हैं 5 रुपये, अगर 50 रुपये भी लगेंगे तो भाई दे दूंगा यार। 50 की जगह अगर मैं रुक के वो 2 स्क्रू टाइट करा लेता, 100 200 रुपये दे के मैं स्क्रू टाइट करा लेता, तो शायद आज ये इतना मोटा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। आप थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत होते जा रहे हैं। ये एक मिसिंग था, इसमें पहले भी नहीं था, ये तो मैंने भी देखा था बाइक में, पहले भी नहीं था। क्या बात है भाई, ये तो यहाँ पे अच्छा कर रखा है, मैंने आज तक कभी लाइफ में खेला नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, ट्राई करेंगे। कोई राइडर यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है भाई, राइडर जॉन।
तो जी गब्बर के अंदर ये तो था ही थी, ये भी लग चुका है, इसको भी चेंज करा दिया है, काफ़ी दिन से इसकी वजह से बहुत बुरी लग रही थी, बाकी ये भी चेंज हो चुका है। इसकी रबड़ मिली नहीं, उस साइड की मिली थी तो वो भी हटा दी मैंने, जब आ जाएगी तो मुझे गोपाल जी फ़ोन कर देंगे। ये देखो तो जी सब कुछ हो चुका है, जो जो मैंने कराया, नीचे का वो चेंज कराया, मिरर चेंज कराया, सब कुछ क्या नीचे का यही चेंज हुआ है, बाकी रबड़ मिली है ना। रबड़ गोपाल जी जैसी आ जाए तो बता देना। ये हमारे गोपाल जी है जिनके थ्रू ये हुआ है, मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी, गोपाल जी ने बोला कि आ जाओ अवेलेबल है सब कुछ, ये अवेलेबल है। ये किसी और बाइक की आई हुई थी लेफ्ट साइड की, जब आए तब चेंज, रॉन्ग सप्लाई आ गई, तो काम बढ़िया हो गया, थैंक यू। जो मैं सोच रहा था सारा काम अच्छे से हो गया है और बढ़िया काम हो गया है, ये सब चेंज हो गया और अब बस यहाँ से निकल रहे हैं और मैं सीधा जाऊँगा ऑफिस। ऑफिस में थोड़ा सा काम बचा हुआ है मेरा, वो काम पूरा करूँगा। तो जी फुल सेट है, बाइक में मैप लगा लिया है और अब सीधा निकलेंगे घर पे। जो काम था इसका काम वो करवा लिया है, बाकी और भी कुछ चेकअप कराया, इसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा कुछ हो गया। मैं खर्चा बता देता हूँ इसके अंदर कॉस्टिंग कितनी आई है, क्या खर्चा है, मैं अभी यहीं के यहीं बता देता हूँ। इसके अंदर 3733 का इसके अंदर बिल आया है, क्योंकि एक ये चेंज कराया और नीचे का जो इंजेक्ट आपने देख ही दिया होगा वो मैंने चेंज कराया, तो 3733 का पूरी कॉस्टिंग आई है और ठीक हो गया है काम, बाकी चल रहे हैं यहाँ से। ठंडा और हो जाएगा, अभी जैसी शाम होती जा रही है वैसे और मौसम ठंडा होता जा रहा है। भाई साहब हर जगह ट्रैफिक 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 ट्रैफिक, इसके अलावा कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर। बाकी हो चुके ये जो खर्चा हुआ है ना आज इस बाइक के अंदर, वो मेरी एक गलती की वजह से हुआ है। अगर मैं इसको पहले चेक कर लेता ना, पहले देख लेता कि यार ये लूज़ हो रहा है, देख तो लिया था लूज़ था, अगर मैं इसको टाइट करा लेता तो शायद इतना खर्चा नहीं होता। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बाकी आगे और भी ब्लॉग अच्छे अच्छे आते रहेंगे, अब राइड करनी है, छोटी मोटी चीज़ें बाइक के अंदर निकलती रहती है वो भी सब कराते रहेंगे धीरे धीरे। और इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पर करते हैं, आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करते रहे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा लिंक नीचे दे रखा है जाके फॉलो कर लेना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।